तमाम ऑनरेबल गेस्ट और तमाम हमारे मेंबर्स, तमाम को गुड इवनिंग। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल गवर्नर, प्लीज कम ऑन द सीट। रोटरी क्लब ऑफ कराची रेजिडेंसी इंस्टॉलेशन सेरेमनी का इनका सर्विसेज मैस में किया गया। स्कॉलरशिप सेरेमनी के अंदर डिस्ट्रिक्ट के आला अहदेदारों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, गवर्नर सेक्रेटरी, डिप्टी गवर्नर, असिस्टेंट गवर्नर, तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। कराची रेजिडेंसी इंस्टॉलेशन सेरेमनी में इसका वेलकम नोट प्रेसिडेंट बासिर जैदी ने पेश किया। आपको हैरत होगी कि क्लब्स जब शुरू करते हैं अपना काम तो वो जीरो मीटर से स्टार्ट करते हैं। हम रोटरी के पास 100% के बाद आए। जो अगर मैं सिर्फ एक साल की कारकर्दगी बताऊं तो शायद मुझे एक घंटा लगेगा, इतने प्रोग्राम्स कराए हैं। कराची रेजिडेंसी को बनाने का मकसद हमारे नौजवानों को संभालना है, सुधारना नहीं है, संभालना है। इसलिए कि देखिए, रोटरी तो इंटरनेशनल हैसियत का हामिल है, एक बैन अक्वामी फोरम है। हम तो अब तक पाकिस्तान में पिछले 75 बरस में अपने आप को न मनवा सके हैं, चाहे जाएंगे इंटरनेशनल, और आज तक एटमी ताकत होने के बावजूद तीसरी दुनिया के मुसाफिर हैं। तो ये बड़ा एहसान है रोटरी क्लब का कि इंटरनेशनली वो पाकिस्तान में मौजूद है, और इसी तरह वो हेल्प करते हैं। जो भी कुछ मैंने सुना है कि जो भी क्लब्स उनके साथ इन्वॉल्व हैं और वो हमें इक्वल समझ के लेके चलते हैं। क्लब सेक्रेटरी कामरान अहमद ने भी अपने ख्याल का इजहार किया। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट है, इस पर जो हमारे पास तीन बड़े जो एजुकेशन में हम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, उसमें नंबर वन जो है वो हमारी आखों यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर हमने 5 फैकल्टीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। नंबर वन जो हमारी फैकल्टी है वो इमर्जिंग साइंसेस, नंबर टू जो है वो हमारी है मैनेजमेंट साइंसेस, नंबर थ्री है सोशल साइंसेस, नंबर फोर है हेल्थ साइंसेस, एंड नंबर फाइव लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज एस्थेटिक। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है जो हमने इंट्रोड्यूस की है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, जब हमने ये अपना प्रपोजल, ये पूरा प्रोस्पेक्टस बना के प्रोफाइल हमने राइस यूनिवर्सिटी को भेजा तो दे डिड नॉट रिकग्नाइज इट, बट दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड। इन्वायरमेंट के ऊपर हमने प्लांटेशन को, तो अब तक हम सड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारी जो इंटेंशन है वो प्लांटेशन से नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। इस खूबसूरत महफिल में गवर्नर तहजीब काजमी ने क्लब मेंबरान और डिस्ट्रिक्ट अहदेदारान से अपने ख्याल का इजहार किया। हाँ, सबसे पहले तो सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी चार्टर सेरेमनी है, इंस्टॉलेशन है, जिस तरह से आपने क्लब बनाया, आपको, आपके सेक्रेटरी साहब को, तमाम मेंबर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और रोटरी की 1.4 मिलियन फैमिली जो है हमारे, हम आपको वेलकम करते हैं। To see a world where the people unite and take action to create lasting change, and that lasting change is across the world, not only the globe. It's not restricted to any area. It is not restricted to Pakistan. It is irrespective of caste, creed, and color. क्लब के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स कमाल अहमद ने एनवायरनमेंट्स और क्लब के आने वाले इवेंट्स के बारे में मालूमात फराहम की।
regarding Rotary Club of Karachi Residency mega campaign on climate change of global warming. In this scenario, we are going to organize a seminar on climate change on the last week of the October with the collaboration of Sindh government. Installation ceremony mein Governor Tehzeeb Kazmi aur Assistant Governor Captain Izhar Beg ne President Basir Zaidi se oath liya. Club Presidency Sayyid Basir Zaidi, you have been selected by the member of this Rotary Club to guide its affairs during the coming years. You have been entrusted with the important responsibility that will help shape your club's future. Incoming President Sayyid Basir Zaidi, you have been elected to the office of President of Rotary Club of Karachi Residency. It is an expression of their confidence in your leadership. जनाब सलीम राव साहब की जानिब से भी क्लब को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। छोटा नहीं सोचो, बड़ा सोचो। रोटरी क्लब समंदर है, कितना भी सोचो, कितना भी बड़ा सोचो, तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा जो है विजन है। माशाल्लाह इतना सारे काम किए हैं, बहुत मतलब रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन एक काम जो ये करने जा रहे हैं खासतौर पर यूनिवर्सिटी का, उसमें बिल्कुल हम रोटरी की तरफ से मतलब मैं समझता हूँ हमारे गवर्नर साहब भी इसको ओन करेंगे कि हम चाहेंगे कि इन ये ग्लोबल ग्रांट करें। और मैंने जैसे बताया कि रोटरी जो है कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल ग्रांट इतनी है, कितना चाहें कितने प्रोजेक्ट करें। और जिस तरीके से माशाल्लाह इन जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब जैसे हैं, कम्युनिटी इस कम्युनिटी के जो असेसमेंट है वो सारी चीज़ें समझते हैं, और ये मेरे ख्याल बहुत अच्छी जो है ग्लोबल ग्रांट भी करेंगे। और हम इंशाल्लाह हमसे जो हमारे इस साल के गवर्नर साहब हैं वो मिलके आपके साथ बहुत अच्छा काम करेंगे।